क्योंकि जनता चाहती है बदलाव और बदलाव मोदी चाहता नहीं। हेरा फेरी का मामला है, मशीनों में सेटिंग कर रखी है, बटन कहीं और दबाओ निकल के वोट कहीं और आता है। भैया बस मैं तो ये कहूँगा, जब से मोदी जी आए हैं बस काम का नाश और बेड़ा गर्क होगा। गुजरात और हिमाचल के चुनाव नतीजों ने बीजेपी की जीत पर तो मोहर लगा दी, लेकिन क्या ये मोहर 2019 में होने वाले चुनाव के लिए काफी है? क्या वाकई इस जीत से मोदी और मोदी के चाहने वाले खुश हैं? सवाल सबसे बड़ा यही है। और जनता जनार्दन मोदी की इस जीत पर क्या सोचती है, बात सीधा उनसे ही करेंगे। जीत सोच क्या, नरेंद्र मोदी जी जीत गया, हमें बड़ी खुशी है। खुशी है यानी आगे नहीं है, पैसे की कहती बढ़ाओ प्रॉब्लम हुई, ये सब उसकी बात है कि अल्लाह का ताला। मतलब नोटबंदी हुई, GST हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता ने फिर भी नहीं, जनता ने फिर भी सहयोग दिया, बहुत सहयोग दिया, सहयोग तो दे रहे हैं। आप बताओ जी, हाँ आप एक व्यापारी हैं, आप एक व्यापारी हैं, गुजरात में भले ही जीत गई, सीटें कम हो गई, 115 से 99 पे आ गई बीजेपी, लेकिन गुस्सा दिखा गया इस बार गुजरात में, और आप क्या कहेंगे एक व्यापारी है मोदी की जीत पर? मोदी की जीत पे तो गड़बड़ हुई, मशीनों के अंदर खुला हुई, वो जो मशीन है वो सेटिंग हुई भी ऊपर से नीचे तक, मतलब गड़बड़ी रही, जनता का विश्वास नहीं जीता उन्होंने। नहीं, जनता का विश्वास अगर जीतना है तो बैलेट पेपर पे इलेक्शन करावे मोदी जी। आप क्या कहेंगे जी, क्या इनकी बात से सहमत है, आपकी कोई अलग राय है? ये गुजरात में हिमाचल में दो जगह पे जो इलेक्शन हुआ है, इसने जनता की भावनाओं को एक तरह से कत्ल किया है। जो जनता की भावना थी उसको कत्ल किया है, क्योंकि जनता चाहती है बदलाव और बदलाव मोदी चाहता नहीं। मोदी ने सहारा दिया विकास का, कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी के साथ मीडिया जुड़ा हुआ है। आज का जो मीडिया है, सोशल मीडिया हो या कोई हो, जिसकी मोदी की बातें करता है, जिसकी लाठी उसकी बहस होती है। हम भी TV देखते हैं, समाचार सुनते हैं, आज भी मैं पटेल को सुन रहा था, पटेल ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि पैसा बोलता है। मीडिया जो है, मीडिया एक तरफा वो कर रहा है, जबकि वहाँ रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, वहाँ 99 बताया जा रहा और एग्जिट पोल में 130 से 140 से अधिक। मैं आज की बात कर रहा हूँ, वहाँ 99 बता रहा है वो पटेल, और 86 बता रहा है कांग्रेस को, और ये डिक्लेयर कर रहे हैं अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये क्या है, जनता की भावनाओं का कत्ल है। मतलब मोदी की जीत नहीं है गुजरात में जो, अगर मोदी को अपनी जीत करानी है तो ये ADM जो है इसको बंद करे, और बंद करने के बाद में फिर जो है बैलेट पेपर पे क्लियर इलेक्शन करावे, उसमें दिखेगा सबका साथ सबका विकास। बताइए गुजरात चुनाव के नतीजे आ गए, हिमाचल चुनाव के नतीजे आ गए, दोनों जगह जीत मिल गई, एक जगह बीजेपी वापस आई है और एक जगह सत्ता काबिज है, सीटें घट गई। क्या मोदी की छवि को नुकसान हुआ इसलिए सीटें घटी, या फिर जनता का इस बार गुस्सा था? जनता का गुस्सा था, लेकिन फिर वो जीत कांग्रेस की जीत में क्यों नहीं बदला, सवाल ये भी तो है। असल में AVM जो है उसमें गड़बड़ी होती है, इसलिए कहा जाता है हमारे यहाँ जहाँ भी बैलेट से चुनाव हुआ है वहाँ कामयाबी दूसरी पार्टी को मिली है, BJP को नहीं मिली। ऐसा क्यों है, गड़बड़ी का कारण है? मोदी की जीत नहीं, EVM की गड़बड़ी की जीत, गड़बड़ी की जीत है, सीधी सीधी सी बात है। नहीं तो जितने भी चेयरमैन बने हैं हमारे यहाँ वो सब बैलेट से बने हैं, और वो AVM के अलग बने हैं। मतलब जहाँ पार्षदों का इलेक्शन हुआ वहाँ EVM, और जहाँ चेयरमैन का हुआ वो बैलेट से हुआ, तो उनकी जीत हुई है, उनकी जीत हुई है जी। तो इसलिए AVM जो है उसमें गड़बड़ी है और रहती है, और वहीं पे मोदी की जो ये जीत हुई है गुजरात में, क्या ये 2019 पे मोहर है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गुजरात तो गढ़ है ना उनका, ये गढ़ तो है, लेकिन जहाँ भी AVM से होगा वहाँ जीत होनी लाजिम है। आपको क्या लगता है जी, गुजरात के चुनाव और हिमाचल चुनाव को देखने के बाद क्या मोदी ने जो अपनी ब्रांड थी वो बनी हुई है कि उसको झटका लगा थोड़ा बहुत? उसको बनी हुई है, वो मशीन में गड़बड़ी है उसकी, जिस वजह से उसकी जीत हुई है, ये कोई नहीं मानता। नहीं तो जनता इतना परेशान है कि काम धाम से कारोबार से, कि हमको लगता है कि मशीन के गड़बड़ी से ही ये सब BJP वाले जीत कर रहे हैं। नहीं तो पब्लिक, हिंदू भी मुसलमान सब परेशान हैं,
काम धाम कारोबार से सब। क्या लगता है जो व्यापारी वर्ग है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, वो वाकई परेशान है क्या? और जिस तरीके से जो जीत आ रही है, गुजरात हो हिमाचल हो, जीत तो लगातार आ रही है, आप क्या कहेंगे? भाई इसके अंदर तो सीधा सीधा मामला है, चुनाव आयोग का मामला है, हेरा फेरी का मामला है, मशीनों में सेटिंग कर रखी है, बटन कहीं और दबाओ निकल के वोट कहीं और आता है, ये हर जगह हुआ है। पूरे भारत का नक्शा देखो, सब भगवाकरण कर रखा है, दो तीन राज्य रह गए हैं उसको भी कवर करने वाले वो लोग, ये सब पॉलिसी है समझे। 70% अलग करना हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, 30% मुसलमान को अलग करना चाहते हैं, इनकी यही पॉलिसी है। जो बांटो और राज करो, बांटो राज करो कुनीति अपना रहे हैं लोग, देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, देश को जो है 70 साल कहते हैं, हमने 70 साल में ऐसी तरक्की नहीं देखी, 10 साल और पिछवाड़ा कर दिया, बहुत ज़बरदस्त बैक कर दिया, किसी देश के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा इस देश में हो रहा है। इसके देश का विकास हो गया है, GST नोटबंदी उनने गरीब गुरुआ मार दिया, 200-250 आदमी लाइन लगा के मार दिया, कोई पुसाने आनी। आज एक व्यापारी वर्ग जो कभी साल में 6 महीने टैक्स भरता था, आज वो हर एक एक महीने में 3 बार टैक्स पे करना, वो टैक्स ही पे करता रहता, उसका व्यापार ठप हो गया है। पूरा वर्ग जो है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे आम जन है, सब परेशान है सरकार से। इस सरकार ने जो विकास के वादे किए थे उस पर खरा साबित नहीं हुआ है सरासर। जनता के साथ बहुत बढ़िया धोखा किया गया, मीठा जहर दिया गया, मीठा पहुँच दिया गया हमको। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 2019 पे मोहर लग गई गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बाद, ये क्या कहता है? 100% बेईमानी से जीत रहे हैं इन्होंने। इन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी आए हर जिले के अंदर, क्या कहा हमें तो मेयर की सीट चाहिए समझे। अगर यहाँ पे कहते हैं आपको कारोबार करना नहीं करना, हमें सीट चाहिए, इस तरह तुम धमकी दे के सरकार करने जा रहे, ये सरकार लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। आज तक का इतिहास है कभी इतना बड़ा प्रहार नहीं किया गया लोकतंत्र के ऊपर, किसी देश के अंदर नहीं किया गया, एक सामाजिक रूप से किया गया, समाज को उतर पतर करके समाज के एक वर्ग को काट के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये 4 खंभे हैं हिंदुस्तान के, अगर एक भी खंभा टूट गया पूरा भारत टूट जाएगा। इसे सारे खंभों को बचाना है तो एकता करनी पड़ेगी। ये जो भेदभाव है हिंदू का, क्या जो दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, क्या वो बचा रही है आपको लगता है ऐसा? अभी तक तो वो भी दुश्मन है, राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, वो भी बांटने की राजनीति नहीं कर रहे, के पीछे दुश्मन वो भी है, ये सामने दुश्मन है सीधी बात। 70 साल के अंदर उसके भी 8,000 से ज्यादा फसाद हुए हैं कांग्रेस के राज्य के अंदर, किसी राज्य के अंदर तक झगड़े फसाद नहीं हुए। आप बताइए आप क्या कहेंगे, आप भी अपना व्यापार करते हैं, लगातार देख रहे हैं देश की राजनीति को, अब दो राज्यों के चुनाव नतीजे आए, इन दो राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद क्या 2019 पे अब मोहर लग गई? भैया बस मैं तो ये कहूंगा, जब से मोदी जी आए हैं बस काम का नाश और बेड़ा गर्क होगा, मतलब व्यापार नहीं हो पा रहा, व्यापार एक पैसा का नहीं है, 0% है, बिल्कुल 99% खत्म हो चुका है व्यापार। और जब से मोदी जी आए इन्होंने बिल्कुल नाश मार दिया देश का, इन्होंने बंटवारा करके अपनी तरफ खींच लिया लोगों को, और एक तक कोई गुंजाइश नहीं रही अब। साफ तौर पर भले ही गुजरात और हिमाचल चुनाव जीतने के बाद अब नरेंद्र मोदी की नजरें 2019 पर हो, लेकिन जनता के इन बयानों के बाद कहीं ना कहीं उनकी टेंशन जरूर बढ़ जाएगी। इस खबर पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।